हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में जो हाल ही में अभी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ बाइक ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो चलिए बात करते हैं टोर क्रेटोस के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको टोर क्रेटोस के स्पेसिफिकेशंस और इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ये बाइक बेसिकली दो मॉडल में लॉन्च है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा है आर वर्ज़न। दोनों ही बाइकों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड वर्जन में आपको 120 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वहीं आर वर्जन में आपको 180 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। स्टैंडर्ड वर्जन में आपको 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड मिलती है, वहीं आर वर्जन में आपको 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलती है। दोनों ही बाइकों का जो वेट है वो 140 किलो दिया हुआ है और चार्जिंग टाइम दोनों ही बाइकों का सेम 4 से 5 घंटे का दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक की पावर और परफॉर्मेंस की। फ्यूल टाइप बाइक का इलेक्ट्रिक दिया हुआ है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 9000 वोट दी हुई है। रेटेड पावर इसकी 4000 वोट दी हुई है जो कि 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन बाइक का ऑटोमेटिक है। राइडिंग रेंज 180 किलोमीटर दी हुई है। ग्रेविटी बाइक की 16 डिग्री की दी हुई है। यदि बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड दी हुई है। इस बाइक का बैटरी चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे, यानी कि 4 से 5 घंटे के अंदर बैटरी पूरी फुल हो जाती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है। कैरिंग कैपेसिटी आपको 150 किलोग्राम की मिलती है। बैटरी की कैपेसिटी 4 किलोवाट की आपको मिल जाएगी। बैटरी इसके अंदर लिथियम आयन की दी हुई है। मोटर टाइप की बात करें तो आपको इसके अंदर एक्सल फ्लक्स PMSM मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स, व्हील्स और सस्पेंशंस की। यदि ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो बाइक के अंदर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों ही आपको डिस्क मिलने वाले हैं। यदि बात की जाए इसके फ्रंट ब्रेक साइज़ की तो इसके अंदर फ्रंट ब्रेक साइज़ आपको 267 mm का और रियर ब्रेक साइज़ आपको 220 mm का मिलने वाला है। कैलिपर बाइक के अंदर ड्यूल पिस्टन का दिया हुआ है और साथ ही बाइक के अंदर एलॉय व्हील दिए हुए हैं। फ्रंट व्हील साइज़ और रियर व्हील साइज़ दोनों ही आपको 17 inch के मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको 80x117 का जबकि रियर में आपको 100x80x17 का टायर साइज मिलने वाला है। टायर टाइप की बात की जाए तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। इस बाइक में आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर्क का और रियर सस्पेंशन मोनोशॉक का मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक की डायमेंशंस और चेचिस के बारे में। बाइक का जो कर्व वेट है वो आपको 140 किलो दिया हुआ है, यानी कि बाइक का जो टोटल वेट है वो 140 किलोग्राम है। ओवरऑल लेंथ बाइक की 1960 mm की दी हुई है। व्हील बेस आपको 1336 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm, सीट हाइट आपको 785 mm दी हुई है। साथ ही इस बाइक के अंदर आपको ट्रेलिस फ्रेम की चेचिस मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक की मैन्युफैक्चरर वारंटी की। यदि बैटरी वारंटी की बात करी जाए तो आपको 40,000 किलोमीटर या 3 साल तक की आपको बैटरी वारंटी मिल जाती है। मोटर वारंटी की बात करी जाए तो मोटर वारंटी भी सेम आपको 40,000 किलोमीटर या 3 साल तक की आपको मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। बाइक के अंदर आपको ऑडोमीटर डिजिटल मिलता है। इस बाइक के अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रिजर्व मोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाइक के अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा। डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, सेंटर लॉकिंग सिस्टम का बेहतरीन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाइक के अंदर आपको पार्किंग असिस्ट और हिल असिस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जबकि आपको एंटी थीफ सिस्टम और जियो फेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। USB चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन बाइक के अंदर अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलने वाली है। बाइक के अंदर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दोनों ही डिजिटल दिए गए हैं। बाइक के अंदर आपको स्टैंड अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेपिड सीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ट्रिपोमीटर 2 दिए हुए हैं, दोनों ही ट्रिपोमीटर आपको डिजिटल मिल जाते हैं। साथ ही बाइक के अंदर लो बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। बाइक इलेक्ट्रिक स्टार्ट दी हुई है। इस बाइक के अंदर आपको शिफ्ट लाइट और किल स्विच का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ ही बाइक के अंदर आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। हेडलाइट की बात करें तो LED हेडलैम्प और ब्रेक टेल लाइट आपको LED टेल लैम्प में मिल जाएगी। साथ ही बाइक के अंदर आपको टर्न सिग्नल और पासिंग लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो आपको इको मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट मोड, तीनों मल्टी ड्राइव मोड आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। यदि बाइक की रनिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करी जाए, यदि आप एक दिन के अंदर यदि आप पर डे 20 किलोमीटर ड्राइव करते हैं तो इसकी जो मंथली कॉस्टिंग आती है, रनिंग कॉस्ट आती है, वो 166 रुपये पर मंथ आती है।
मान लो यदि आप पर डे 50 किलोमीटर भी ड्राइव करते हैं तो इसकी जो मंथली रनिंग कॉस्ट आती है 416 रुपये पर मंथ आती है 50 किलोमीटर पर डे ड्राइव करने पर भी। तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिशियल होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बाइक काफ़ी स्पोर्ट लुक में दी हुई है, साथ ही टॉर्क क्रेस्टोस काफ़ी अच्छे 4 बेहतरीन कलरों में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।